नमस्कार, जनहित इंडिया के खास सेगमेंट टॉप 11 में आप सभी का स्वागत है। पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर कोरोना किट खरीद के मामले में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जी हां, मामला बिजनौर जिले का है, जहां पर 2800 रुपए की कोरोना किट को 15,750 रुपए में खरीदा गया है। अभी तक इस मामले में गाजीपुर तथा सुल्तानपुर के DPRO को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में एक SIT भी गठित कर दी है। माननीय विधायक ने कभी ना ही मुझसे बात की है या ना ही मेरे CDO से कोई भी फैक्ट्स को वेरीफाई किए। बिना वेरीफाई करते हुए इस तरह के इतना बड़ा आरोप है, वो भी सीधे सीधे जिला प्रशासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से किया लग रहा है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट। बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की तरफ। पिछले 24 घंटों में देश में 97,570 नए मामले रजिस्टर किए गए हैं। साथ ही देश में लगातार दूसरे दिन भी 1200 से अधिक मौतें हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 46,00,000 से पार हो गए हैं। अगर हम विश्व भर में कोरोना संक्रमण की संख्या पर बात करें तो ये संख्या 2.85 करोड़ हो चुकी है। साथ ही देश भर में मरने वालों की संख्या 9.16 लाख है। अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस नेतृत्व ने शुक्रवार को पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए गुलाम नबी आज़ाद समेत 5 नेताओं को महासचिव के पद से हटा दिया। पार्टी के संगठन महासचिव ने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद, मोतीलाल बोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लुइजिन्हो फलेरो को महासचिव पद से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। शनिवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें यह मांग की गई है कि मूल आपराधिक अवमानना मामलों में सजा के खिलाफ अपील का अधिकार एक बड़ी और अलग पीठ द्वारा सुना जाए। इस याचिका में कहा गया है कि अपील का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इसकी गारंटी भी है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह गलत सजा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा। अगली खबर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक रैली का आयोजन किया। कांग्रेस ने रिया चक्रवर्ती को बंगाल की बेटी बुलाया। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती बंगाल की रहने वाली हैं, पश्चिम बंगाल की। तो कांग्रेस ने एक रैली बुलाई और उसने कहा कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ किसी भी तरह की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार कर लिया गया है। Of actor Riya Chakrabarty. अगली खबर है नीट परीक्षाओं से संबंधित। जी हाँ, कोरोना संकट के मध्य देश भर में आज 13 सितंबर दिन रविवार को नीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक कुल 15.97 लाख छात्रों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यह परीक्षा पेन व पेपर के माध्यम से कराई जा रही है। NTA ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से किया जा सके। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हाँ, ये बात प्रधानमंत्री की है। कल उन्होंने एक नारा दिया कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। ये नारा प्रधानमंत्री ने COVID-19 महामारी के दौरान लोगों में लापरवाही न बने इसके लिए दिया। उन्होंने कहा कि अभी ये न माने कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, आप पूरी तरह से सावधान रहें। देखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, याद रहेगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है। अगली खबर मुंबई से है, जहां नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी की पिटाई के मामले पर संजय राउत ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अगर मनमानी कर कुछ भी दिखाया जाएगा तो लोगों के संयम का बात टूट जाता है, इसलिए जरूरी है कि लोग एक दूसरे का आदर करें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर करने पर शिवसेना के 6 कथित कार्यकर्ताओं ने एक नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी की
पिटाई कर दी थी। अगली खबर चीन के संबंध में है। चीन ने जो 5 भारतीय नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश की सीमा LSC के करीब से अगवा कर लिया था, उन्हें शनिवार को वापस कर दिया है। जी हाँ, भारतीय सेना ने चीन की सेना से हॉटलाइन पर यह मैसेज भेजा था कि हमारे 5 लोग गायब हैं। इसके बाद चीन ने उन 5ों को सभी जरूरी कार्रवाई करने के बाद कल भारत को हस्तांतरित कर दिया। अगली खबर त्रिपुरा से है, जहां के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने न्यूज़ एजेंसीज़ को कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ये न्यूज़ चैनल्स और कुछ न्यूज़पेपर वो लगातार कोरोना के बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, इसके खिलाफ उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर के बेरोजगार युवाओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी चरम पर है। कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कार्यक्रम ठीक लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में, इस चैनल पर सिर्फ जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की जाएगी, कोई एजेंडा नहीं चलाया जाएगा। जय हिंद।